और वो अभी मेरे से बड़ा हो गया, मैं उससे छोटा हो गया। इनकी उम्र पीछे की तरफ चलती है। मैं और वीरू ओवरेज भी हो गए, यूवी और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते थे। कैफ और यूवी दोनों काफी क्रिकेट खेले हैं। अभी यूवी उस समय ना मेरे से छोटा हुआ करता था, मैं ओवरेज हो गया अंडर 19 में। अभी हमने यूवी का 40वां बर्थडे बना के आए हैं वहां पे, और वो अभी मेरे से बड़ा हो गया, मैं उससे छोटा हो गया। मुझे समझ ही नहीं लगी। पहले उसने अपनी उम्र में ना वो संडे के संडे सारी छुट्टियां निकाली हुई थी, अब वो ऐड कर दी। अब मेरे से बड़ा हो गया। मैंने कहा यार तू अब मेरे से कैसे बड़ा हो गया? नहीं 38 बर्थडे बना, नहीं तो मतलब 48 नहीं था, मतलब देख वो तो बड़ा हो गया। आप कब बड़े हो गए? मैं बड़ा हो ही नहीं सकता। ये मुझे अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने अपनी लाइफ से सारे संडेज निकाल दिए थे, संडेज और अब ऐड कर दिए। अब वो इंटरेस्ट के साथ लगाए ना, इंटरेस्ट के साथ। बट एक्चुअली आपके लिए बात, शायद हमारे यहाँ इतने किसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला है। वीवीएस ने भी नहीं खेला, वीर सहवाग ने खेला है, बज्जू खेला है। हम कभी अंडर 19 एक साथ खेले थे दादा, 98 का वर्ल्ड कप था, हम तीनों एक साथ खेले, 6 मैच थे, 5 बार इन्होंने मुझे रन आउट कराया। 6 में 5 बार कैसे रन आउट? यस नो यस नो। आप तो मिडिल ऑर्डर में खेलते? हाँ, मैं नंबर 4 पे खेलता था, नंबर 3 पे खेलते थे। अच्छा, तो बज्जू भी वर्ल्ड कप खेला 98? जी हाँ। हम लोग एक वर्ल्ड कप खेले, ये 3-4 वर्ल्ड कप खेले, वो फर्क इतना ही था। ये कहते थे कि यूपी से 3-4 खेल लेते थे। हाँ, यूपी से सही नहीं कह रहा, कैश का तो उम्र ठीक है लेकिन बाकी लोग अलाउड है एडिशनल खेलना। यूपी को अलाउड है, यूपी को अलाउड है। बट उस टाइम में जब 98 वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर था यूपी का, जिसकी 2 डेट ऑफ बर्थ थी, पासपोर्ट पे अलग और वैसे अलग। कौन नाम था? नाम मुझे याद नहीं दादा, बट वो उसको फिर बाहर कर दिया था बीसीसीआई ने, उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, तब किसी और विकेट कीपर को ले गए। सिर्फ उसके पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें वो ओवर 19 था, और उसने बोर्ड को दी थी उसमें वो अंडर 19। मुंबई इंडियंस में जब एंड्रू साइमंड्स आया जी, आप कैप्टन थे उस टीम का जी, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो जिस साल मैं कप्तान बना तो मेरे से पूछा नहीं गया कि रिप्लेसमेंट कौन आएगा। जब एंड्रू साइमंड को लिया, मुझे लगा कि मेरी पिटाई कराने के लिए, और मुझे हर बार लगता था कि ये कभी ना कभी मैच के बाद मुझे पकड़ेगा। जब तक वो वहां था वो मेरे रोज लगता था कि आज मेरी पिटाई होगी। बट देन आफ्टर से अबाउट अ वीक और सो हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए, और उसके बाद वो मुझे बोलते कि फिशिंग करने आ जा। मैंने कहा इसमें भी इसकी कोई चाल है। मैं गया नहीं उसके बाद ब्रिस्बेन, पर बात होती है। बिल गेट्स के बारे में कहते थे, बिल गेट्स बोलता था कि आई वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मुझे स्कूल में या कॉलेज में वो पसंद नहीं करते थे, तो आई वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आई बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड हरभजन सिंह वॉज एन NCAA ड्रॉप आउट एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे एक चीज बताई, वो जो टेस्ट मैच था ईडन गार्डन्स में, जब हमारे पास ना कुंबले था ना श्रीनाथ था, और आपका दूसरा टेस्ट था कमबैक उस ऑस्ट्रेलिया के सामने विकेट लिए हैं, उस टेस्ट मैच के बारे में आप बताए। यंग थे, नया था, और ऐसे एक टीम के सामने आप खेल रहे थे जो उस समय सबसे मजबूत टीम था। दादा कुछ ज्यादा सोचा नहीं था कि ये था कि लाइफ डिपेंडेंट थी उस टेस्ट मैच में मेरी भी, क्योंकि वो सीरीज से पहले मैं ड्रॉप था क्योंकि NCAA से मुझे बाहर निकाल दिया गया। और आज इस मंच पे मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर ये शख्स सौरव गांगुली मेरे उस टाइम कप्तान नहीं होते तो शायद मैं आज कनाडा में होता या कहीं और होता, काम कर रहा होता। बाकी जैसे हमारे कई भाई बंधु गए हुए हैं वहाँ पर काम करने, और इस मैच में मैं मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर मैं विकेट नहीं लेता तो हो सकता मेरी वो लास्ट सीरीज हो जाती। और जब जब कलकत्ता आया हूँ खाली नहीं गया हूँ, और कुछ तो यहाँ पे वो आप सबका प्यार है, कुछ काली माँ का आशीर्वाद है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ कि ईडन गार्डन ने मुझे हमेशा झोली भर के वापस भेजा, और मैं पहला हिंदुस्तानी यहाँ पे बना जिसने हैट्रिक ली हो। और वो मैच हालांकि वैसी सिचुएशन में थे, किसी ने सोचा नहीं था मैच जीतेंगे, जैसे वीवीएस की वो ग्रेट नॉक जो कि मेरी देखी हुई अनबिलीवेबल नॉक थी वो, और राहुल की वो पार्टनरशिप, दैट वाज अनबिलीवेबल। और उसके बाद लास्ट डे जस्ट अबाउट गोइंग आउट देयर एंड गिविंग योर बेस्ट, एंड मैं सिर्फ वही कोशिश कर रहा था कि एक जो मेरा जिम्मा है एज ए बॉलर मुझे दिया गया है, क्योंकि पहले इनिंग में मैंने कुछ 7 विकेट लिए थे, और 5वें दिन की विकेट में थोड़ा बॉल स्पिन हो रहा था, तो ये एक जगह पे बॉल डालने के लिए मुझे, जैसे आपने बोला था, और फील्ड सेट जो आपने की थी, तो आई फील कुछ ना कुछ मेरे साथ वो पावर चल रही थी जो मेरे से वो काम करवा रही थी। आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप कुछ कर रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको हैट्रिक। Oh, big appeal. Yes, got him. RWW. Ricky Ponting. RWW. Harbhajan Singh. He's making a big comeback here. Ricky Ponting was trying all around that bat. Oh!
he's got him. Best ball. Oh, yes, he's got him. He's got him. Adam Gilchrist is out first ball. No Indian bowler has ever taken a test hat-trick. Here we go. Can he do it? Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over the square leg. The celebration song. Is he the first ever? कैसा लगा था तब इस समय दादा? दिस वॉज अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी. मैं इससे बड़ी मोमेंट शायद मेरे लिए तभी हुई थी जब 2007 में वो वर्ल्ड कप जीते हैं, फिर 2011 वाला. पर ये दिस वॉज वेरी स्पेशल मोमेंट जो मेरे जिंदगी के. पूरा क्राउड कितना खुश था. बिल्कुल. और मेरे टीममेट्स इतने ज्यादा खुश थे जैसे उनकी हैट्रिक हुई है. और मैंने पहली बार देखा था राहुल द्रविड़ को ऐसी सेलिब्रेशन करते हुए. बिल्कुल. और सदागोपन रमेश जो नॉर्मली सोए रहते थे ग्राउंड पे उठाना पड़ता था, पर उस दिन वो जगे हुए थे क्योंकि मेरी हैट्रिक होनी थी. तो मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरी हैट्रिक नहीं है, रमेश की हैट्रिक है, आपकी हैट्रिक है, वीवीएस की हैट्रिक है, ये पूरे भारत की हैट्रिक है. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस टू बी देयर टू अचीव दैट. सबसे मुश्किल कहाँ लगा गेंदबाजी करना? डिपेंड करता था सामने बैटिंग कौन कर रहा है. बल्लेबाजी अगर मैथ्यू हेडन कर रहा हो तो मुझे हर जगह मुश्किल लगी, चाहे इंडिया में वो बैटिंग कर रहा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में. तो बॉलिंग के लिए मुझे लगता है सबसे अगर कोई मुश्किल जगह है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहाँ बॉल साइड स्पिन नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस जरूर होता है, बट वहाँ पे विकेट लेने के लिए बहुत आपके पास ना वो कला होनी चाहिए और वहाँ पे उन कंडीशन में प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है. Oh, he's got it away. This will be it. He'll come back for the second. India have won the test match. India have won the series. लेकिन दर्शकों को पता नहीं जो आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं, हरभजन जब बैटिंग करने जा रहे थे ना, मैं बिल्कुल उसके पास में बैठा था. नंबर 10 बैट्समैन आउट हुआ और हरभजन खड़े हुए बैटिंग करने के लिए जाने के लिए. उन्होंने मुझे पूछा कि कितने रन्स बाकी है जीतने के लिए. मैंने कहा भाई अभी ये हमें जिताने वाला है और इसको पता ही नहीं कितने रन जीतने के लिए है. और बहुत बहुत बढ़िया जीत था भारतीय क्रिकेट के लिए. बॉलिंग से तो आपने जीता है, उस मैच में भी आपने 12 या 13 विकेट लिया था. 15 विकेट लिए थे उस मैच में, चेन्नई टेस्ट में 15 विकेट. आपको इतने परफॉर्मेंस रहे आपके लाइफ में, 100 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, 400 के करीब टेस्ट विकेट, 300 से ज्यादा वनडे विकेट, सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सा रहा है भारत के लिए? भारत के लिए मैं दादा यही कहूंगा कि ये जो सीरीज थी मेरी खेली हुई अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज थी, क्योंकि वी वर अंडरडॉग इन द सीरीज की कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम को हराना और उसमें मेरे जैसे एक इंसान की जिंदगी चेंज हो जाना उस पूरी सीरीज से मैंने सोचा नहीं था. और जब मैं सीरीज खेलने आया था तो मैं, मेरा कोई नाम नहीं था, कोई वजूद नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था. पर जब मैं वापस गया हूँ वो सीरीज खेल के 3 मैच में 32 विकेट लिए और जो आज भी रिकॉर्ड है अपने आप में कि 3 मैच में शायद सबसे ज़्यादा विकेट 32 ही हुए हैं. तो जब वापस गया था तो मेरा कोई नाम था, मेरा वजूद था. और इससे तगड़ी सीरीज वो कहते हैं कि मैंने ना देखी है ना हुई है. और मैं अपने बाप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उसमें कुछ योगदान दिया है. और आप सबकी बदौलत, आपकी, वीवीएस और सचिन, ऑल माय सीनियर्स, दे वर ऑल देयर. और उसमें से मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये मेरे दिल के बड़ी करीब मोमेंट है. सबसे जो मेरी यादगार पल होंगे वो ये वाले होंगे, 2001 वालों. फील्डिंग में इतना दिलचस्पी कैसे हुआ, क्योंकि हम अभी तो इंडिया में ग्राउंड्स इतने अच्छे हुए हैं, हर जगह जाओ आउटफील्ड इतना बढ़िया, कलकत्ता जाओ, बॉम्बे जाओ, हैदराबाद जाओ, मोहाली जाओ, हर जगह आउटफील्ड जहां आप डाइव मार सकते हो. लेकिन हम सारे यहाँ पे जो है उस जमाने क्रिकेट खेले हैं जहाँ पे एक बार डाइव मारे तो फिर 4 दिन आप उठ नहीं सकते थे, क्योंकि इतना बुरी तरह से ये और एल्बोज और घुटने छिल जाते थे. तो उस जनरेशन में फील्डिंग का इतना इंटरेस्ट क्या? फील्डिंग थोड़ा सा फुटबॉल का शौक था शुरू में, जब मैं 7-8 साल का था तो फुटबॉल काफ़ी खेली. तो वहाँ एक होता है लर्न टू फॉल, काफ़ी अर्ली एज में सीख गया था मैं. तो दर्द से दोस्ती हो गई, जब गिरने लगे तो मज़ा आने लगा. और आप जब हमारे एक सीनियर टीम थी तो वो हमें खिलाते नहीं थे मैच, ये छोटा है चोट लग जाएगी इसको बाहर रखो. फुटबॉल उस टाइम पे एक जुनून था मेरे लिए कि यार खेलना है, बारिश हो रही है, फुटबॉल चल रहा, मुझे नहीं खिला रहे लोग. बट कानपुर में फुटबॉल का शौक था इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद की बात है. 8-9 साल का था मैं. तो एक बार प्लेयर थोड़ा कम आए तो उसको लोगों ने बोला कि इसको पीछे खड़ा कर दो, खिला लो. तो मैं पीछे डिफेंडर था, तो वहाँ बॉल आई और कीपर को अटैकर ने बीट कर दिया और बॉल गोल की तरफ मार दी. मैं भाग के गया, स्लाइड मारी और मैंने पुश किया, बॉल को बचा लिया, गोल बचा लिया. और तब से मुझे लगा कि यार ये छोटू तो बहुत काम की चीज़ है, ये तो डायरी मार रहा है, डर नहीं रहा, इसको खिलाते हैं. तो वहां से मेरी स्टार्ट हुई कि यार बड़े सीनियर टीम में कैसे अपनी जगह बनानी है. तो वो गिर के मैंने सीखी. एक मोमेंट जिसमें सारे इन्वॉल्व हैं, ये देखो. एज्ड अवे,
Flintoff can't cut it off. It's gone for four. End of the 49th over. India just need two runs from the last six balls. Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes wild. India have won the NatWest Series final by two wickets here at Lords in one of the most incredible one-day matches the country has ever seen. मुझे एक प्रश्न पूछना था जो कभी पूछे नहीं हाँ. वो फुल टॉस बैट पे लगा और भाग पड़े वो डिसाइड किए थे दोनों की भागना हाँ, ही बिल्कुल आप सिर्फ बैट को लगाओ बॉल और मैं भागूंगा किधर भी जाए क्या भाई साहब सोच रहे थे कि मतलब इतना अभी नजदीक आया मैं थोड़ा डर गया मैंने कहा इतने पास आ गए स्ट्राइक तो मुझे चाहिए हो सकता है इनको उतना भरोसा नहीं था जहीर पे के चलो उस मैच का बेस्ट मोमेंट तो वो आपका टी शर्ट निकालने वाला था एक ने 90 रन बनाए उस मैच में मैंने 60 रन भी बनाए थे मोमेंट तो वही था हम लोगों ने बहुत कोशिश की दादा को रोकने की बट दादा रुके नहीं रुके खुशी से नहीं रुके और उस मैच में ये मेरे बाजू में खड़ा था तो ये मुझे कह रहे पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं मैंने कहा तू भी खोल ले कपड़े मैं भी शर्ट उतारने वाला था राहुल द्रविड़ ने मेरी शर्ट खींच ली अच्छा हुआ मेरी खींच ली नहीं तो सलमान खान तो एक ही हो सकता ना दादा वो जो फाइनल जो हो पाया ना उसका न्यू तो आप सहवाग और गांगुली ने रखी थी आपने पारा था युवराज सिंह मेरे पार्टनर शूट नहीं वो फिनिशिंग ही था फिनिशिंग हार चुके थे हम 149 पे 5 और उसके बाद कहां से मैच जीतते अगर वैसे पारी आप और युवराज नहीं खेलते तो मैच निकल गया था हाथ से मेरा अंकल अभी भी याद है वो जब 149 पर 5 हुआ तो मेरा अंकल मैच देख रहे थे लॉर्ड्स में वो पिनर में रहते वो निकल के घर चले गए कि घर निकल जाता हूँ यार भारत हार जाएगा आपके फैमिली भी मुझे याद है वो फिल्म देखने चली गई थी देवदास फिल्म देखने देवदास मूवी शाहरुख खान का फिल्म देखने चला गया तो बीच में जब मोटरवे पे गए तो भारत 225 पे 5 था तो मेरा अंकल वापस आया वो मोटरवे से वापस आके फिर लॉर्ड्स पे घुसा तो उसके मैच देखा और ये उम्मीद की आप और युवराज मैच जिताएंगे और जब आपके फादर मदर जब वो फिल्म देख के निकला तब तक भारत मैच जीत चुका था और आपके फादर को जो प्रेस वाले हैं ना वहाँ घर पहुंच के बोले कि मोहम्मद कैफ ने मैच जीता है तो पूछे उनसे कि आप क्या कर रहे थे उन्होंने कहा हमें देवदास देख रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि भारत जीतेगा ये मैच तो सचिन आउट हुए तो फिर वो चले गए वी विल गो टू वीवीएस लक्ष्मण दूसरा 2+2 इज इक्वल टू 4 4+4 इज इक्वल टू 8 4+6 इज इक्वल टू 11 हाउ इज दिस पॉसिबल It's related to cricket. When you take two doubles, it's a four. When you hit two fours, it's a eight. You've hit a four and a six. How is it 11? It's a no ball. Absolutely right. It's a no ball. Kefu, एक cyclist जा रहा है. ये cycle के तीनों टायर तुमको दिख रहा है. दो टायर cycle के साथ, एक नीचे. एक टायर से maximum 20 किलोमीटर जा सकता है. नीचे वाला जो टायर है, वो भी 20 किलोमीटर जा सकता है. इस cyclist के पास total तीन टायर हैं. ये तीनों टायर के साथ ये साइक्लिस्ट मैक्सिमम कितना दूर जा सके पहला टायर से 20 किलोमीटर दूसरे टायर से 20 किलोमीटर और नीचे वाला भी 20 किलोमीटर जाएगा तो ये तीनों टायर से वो कितना दूर जा सकता है दादा घर बुला के ये बेवकूफी में वही फंसा रहे हो कि मैं डॉज खा जाऊं दो टायर भी उतना ही जाएगा जितना एक टायर जाएगा उसके बाद बताओ ना तीसरा कितना जाएगा फिर वहां नहीं जाऊंगा मैं स्टेप नहीं है वो स्टेप नहीं दादा 20 किलोमीटर जाएगा फाइनल 30 किलोमीटर जाएगा आपको दिखाते हैं आंसर 10 किलोमीटर गया एक टायर चेंज किया एक में 20 एक में 10 है फिर 10 किलोमीटर गया ये जीरो हुआ उसमें 10 था और एक चेंज कर लिया तो टोटल 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा सकते चेंज करेगा तो नहीं बोला था ना चेंज करेगा तो तीसरा टायर किस लिए स्टेपनी में बोला ना अभी आपका पॉइंट चेंज करेंगे हम -12 कैफू जहीर दूसरा